संस्कृति मॉम यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पालक से बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनाकर तैयार करेंगे। उसके लिए हमने 100 ग्राम पालक को अच्छे से पहले से धो लिया था और उसके जो मोटे मोटे डंठल थे, डंठल को भी हमने तोड़ दिया था। आप भी इसी तरीके से पालक को पहले धो लें, क्योंकि पालक में बहुत छोटे छोटे कीड़ा होते हैं, इसलिए आपको अच्छे पानी से 3-4 बार धो लेना है और उसके जो मोटे मोटे डंठल होते हैं, डंठल को भी तोड़ लेना है। और हमने 4 हरी मिर्च ले ली है और आधी चम्मच हमने गरम मसाला लिया है और 1 प्याज ली है, 10-12 हमने लहसुन की कलियां ली है, आधी चम्मच हमने साबुत जीरा लिया है और थोड़ी सी हमने हरी पत्ती ली है। इन सारी चीजों को मिक्सी के जार में डाल के हम बारीक पीस लेंगे। हमने मिक्सी के जार में डाल के देखो बिल्कुल बारीक पीस लिया है। जो हमने पालक को धो के रखा था, इस पालक को यदि आप बारीक कट करना चाहते हो तो बारीक कट करके मिक्सी के जार में डाल के बारीक पीस सकते हैं, लेकिन हमें ना हमें पीसना है ना ही हमें काटना है। देखो हमने गैस पर थोड़ा सा पानी गर्म होने के लिए रख दिया था, उसमें हमने जो पालक ली थी पालक को डाल दिया और पालक को हमने बॉईल कर लिया है और हाथों से पालक को हम इस तरीके से मैश कर देंगे। हमें काटने की कोई जरूरत नहीं है, पालक जब बॉईल हो जाती है तो बहुत ही आसान तरीके से हाथों से मैश हो जाती है। हमने 3-4 कप गेहूं का आटा ले लिया है, हमने बड़े कप से लिया है और जो हमने मसाला पीस के रखा था इसमें हम मसाले को डाल देंगे। इसमें हमें नमक डाल दिया है, यदि आप मसाले में नमक ना डालें तो आप आटे में भी नमक को मिला सकते हैं। हमने जो मसाला पीस के रखा था सारे मसाले को हमने आटे में डाल दिया है और जो हमने पालक को बॉईल करके रखा था उस पालक को भी हम इसी में डाल देंगे। अभी हमें इस आटा में पानी नहीं डालना है, जो हमने मसाला और पालक मिलाई है उसी से हम आटा को अच्छे से इनमें मिक्स करेंगे। हमने मसाले में आटा को मिक्स कर दिया है, अभी हमें थोड़ी पानी की जरूरत है। हमने उसी मिक्सी के जार में थोड़ा सा पानी ले लिया है और पानी को हम इस तरीके से डालते हुए अच्छे से आटा लगाकर तैयार कर लेंगे। हमने आटा को लगाकर तैयार कर लिया, जैसे आप पूड़ी के लिए आटा लगाते हैं उसी तरीके से हमने आटा को लगाकर तैयार कर लिया है। 5 मिनट के लिए हम आटा को ढककर रख देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, जो हमारा आटा था अच्छे से सेट भी हो चुका है। अब हम आटे की छोटी छोटी सी लोइयां तोड़कर तैयार करेंगे। जिस तरीके से आप पूड़ी के लिए लोई तोड़ते हैं उसी तरीके से आपको लोई तोड़कर तैयार कर लेना है। देखो हमने लोइयों को तोड़कर तैयार कर लिया है। एक लोई ले ली है हमने और इसकी हम पूड़ी बेल कर तैयार करेंगे। थोड़ा सा हम तेल लगा लेंगे और तेल लगाकर इसकी पूड़ी बेल कर तैयार करेंगे। हमने इतनी पूड़ी बेलकर तैयार कर ली है। पूड़ियों को हमें बहुत ज्यादा पतला नहीं बनाना है। यदि आप पतला पूड़ियों को बेलेंगे तो आपकी पूड़ी ठंडी होकर कड़ी हो सकती है, इसलिए आपको थोड़ी मोटी पूड़ी बेलकर तैयार करनी है। साइड में हमने गैस पर थोड़ा सा तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तेल हमारा गर्म हो चुका है, हम रिफाइंड तेल में बना रहे हैं। रिफाइंड तेल में पालक की पूड़ी बहुत ही अच्छी बनती है। देखो हमने इसमें 2 पूड़ियों को डाल दिया है और तेज गैस पर पूड़ी को हम सेंक लेंगे। आपको पूड़ी को तेज गैस पर ही सेंकना है, तभी आपकी एकदम बिल्कुल फूली फूली पूड़ी सेककर तैयार होगी। एक साइड हमने पूड़ी को सेंक लिया है, हम दूसरी साइड भी उसी तरीके से सेंक लेंगे। दोनों साइड पलट पलट के पूड़ी को हमने अच्छे से सेंक लिया है। देखो एकदम बिल्कुल हमारी फूली फूली पूड़ी बनकर तैयार हुई है और इन पूड़ियों को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और 2 पूड़ी हम और इस तेल में डाल देंगे, उनको भी इसी तरीके से सेंक कर तैयार कर लेंगे। जो हमने दोबारा से पूड़ी डाली थी उनको भी सेंक कर तैयार कर लिया है और जो हमारी बाकी की पूड़ी बची हैं, उनको भी हम इसी तरीके से तेज गैस पर सेंक कर तैयार कर लेंगे। देखो हमने पालक की पूड़ी को बनाकर तैयार कर लिया है और आलू मटर गोभी के साथ और टमाटर की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको जिस चीज में खाना हो उसी चीज में आप इस तरीके की पालक पूड़ी को खा सकते हैं। देखो हमारी एकदम फूली फूली और बिल्कुल एकदम बिल्कुल मुलायम पूड़ी बनकर तैयार हुई है। आप भी इसी तरीके से बिना काटे पालक को आप पालक पूड़ी बनाकर तैयार कर सकते हैं। देखो ये हमारी मसाला पालक पूरी है, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। यदि आप सादा पूड़ी खाते खाते बोर हो गए हो तो आप इसी तरीके से पालक की पूड़ी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।